और झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गिरिडीह के गांवा इलाके में धड़ल्ले से हो रहे अवैध शराब निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस और उत्पाद विभाग के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो गया है। वन विभाग की टीम ने प्रखंड के सुदूर जंगलों में अवैध रूप से संचालित 5 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वन कर्मियों को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रखंड के गाढ़ी सांख और झूमर झारा में अवैध रूप से वन भूमि पर शराब भट्टियों का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद वन विभाग की टीम और उत्पाद विभाग की टीम वहां पहुंची और कार्रवाई की गई। झारा में 2 शराब की भट्टी और गाढ़ी सांख में 3 शराब की भट्टी को हम लोगों ने उसको नष्ट किया, जिसने और इसके साथ साथ उन्होंने 500 लीटर शराब, 30 क्विंटल जामा महुआ, 10 क्विंटल महुआ और 50 टीना करीब करीब रावा गुड़ के इसको हम लोगों ने पूरी तरह से जगह पर स्तर पर नष्ट किया। झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल 31 जनवरी 2022 को खत्म हो जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही उन्हें एक्सटेंशन दिया था और केंद्र के पास इसकी मंजूरी के लिए भेजा भी था, लेकिन अभी तक डीजीपी के एक्सटेंशन को मंजूरी नहीं मिली है। इस मसले को लेकर राजनीतिक दलों का कहना है कि जल्द से जल्द राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। मुझे मेरे संज्ञान में है और जो मुझे जानकारी है, राज्य सरकार ने एक्सटेंशन दिया था, इनका नाम भी भेजा गया था पैनल वहाँ स्वीकृति के लिए। अब किसी कारणवश वहाँ से स्वीकृति नहीं मिली है तो राज्य सरकार तो ये मानकर चलेगी कि ये एक्सटेंड कर रहे हैं या ये अभी पद पर बने रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई निर्देश आता है केंद्र का, यूपीएससी का, तो निश्चित तौर पर कानून सम्मत कार्रवाई राज्य सरकार करेगी। डीजीपी नीरज सिन्हा का टेन्योर को 1 साल को बढ़ाने को लेकर के केंद्र सरकार के पास अनुशंसा कर दी है। अब केंद्र सरकार अगर जागरूक हो, केंद्र सरकार को अविलंब इस पर निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि डीजीपी के अभाव में राज्य का स्वाभाविक तौर पर शासन प्रशासन जो है वो उसमें खलल पहुंचता है। तो केंद्र सरकार को गंभीरतापूर्वक, जब राज्य सरकार ने उस पर अनुशंसा कर दी है, तो केंद्र सरकार को निर्णय लेकर के जल्द से जल्द डीजी के मामले में हस्तक्षेप करके और जो अनुशंसा केंद्र राज्य सरकार ने किया है उस पर अमल करते हुए नीरज सिन्हा जी को 1 साल का एक्सटेंशन दे देना चाहिए। स्टेट है और हाल के दिन में तो अब तो शहरों में भी गैंग वॉर हो रहा है, तो शहर और ग्रामीण इलाके जो है वो दोनों हाइपर सेंसिटिव है झारखंड के। तो मुझे लगता है जो भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसे राज्य और केंद्र को आपस में मिलकर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि झारखंड नक्सलवाद के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव रेड जोन है और बहुत मुश्किल से हमारे बीजेपी की सरकार ने नक्सलियों की कमर तोड़ी थी। तो जब डीजीपी का पद जैसा सेंसिटिव पद है, इसमें असमंजस की स्थिति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता अनंत अमित ने बताया कि डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी के पैनल को माना जाता है। सूत्रों के अनुसार यूपीएससी ने राज्य के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। नियुक्ति में यूपीएससी के पैनल को माना जाता है और यूपीएससी ने शायद ये जवाब दिया है डीओपीटी को कि चूंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, इस वजह से उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा है। उसी आधार पे हमें ये जानकारी मिल रही है कि डीओपीटी ने इनके 2 साल की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया है। उसके बाद तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और खबरों के आधार पर यह लग रहा है कि राज्य सरकार अपना विशेषाधिकार के आधार पर इनको रेगुलर करना चाह रही है डीजीपी साहब को। अब ये तो सरकार का मामला है, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन चूंकि आईपीएस और आईएएस का मामला या आईएफएस का मामला जो स्टेट में करते हैं ये पूर्णतः से भारत सरकार के अधीन होता है इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया। और जब भी, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के अधिकारियों का जब रिटायरमेंट होता है उसके 2 या 3 महीना पहले उनका जीपीएफ वगैरह कटना बंद हो जाता है। तो हमें ये जानकारी है कि माननीय नीरज सिन्हा साहब का भी वो जीपीएफ वगैरह कटना बंद हो गया है।
झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्य में कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करने को लेकर बहुत जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, पर जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा करने को लेकर ये दोनों चीजें जरूरी है। सरकार के साथ में समन्वय में और इस प्रकार से हम सरकार के साथ और अच्छे नतीजे ला सकते हैं, उस पर सभी विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिस संदर्भ में विचार करके आगे का हमारे कार्यक्रमों में उसको शामिल किया। सरकार चल रही है, शिकायत करते हैं कि इस पार्टी गठबंधन की सरकार है पर ऐसा फील नहीं होता, कांग्रेस के कई बार ऐसा तो कोई भी गठबंधन की सरकार है, बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है, सभी विधायकों ने सरकार के कामों की तारीफ किया, उनके संबंधित उनके निजी विधानसभा क्षेत्र में भी जो विषय थे उसके बारे में बतलाया, कहीं पे अगर थोड़ी बहुत कहीं कुछ अड़चने हैं जहाँ पर सरकार ने आश्वासन दिया था काम नहीं हुए हैं उन्हें शीघ्र कराने की कोशिश की जाएगी। जहाँ पर मैनिफेस्टो में जनता से जो हमने वादा किया था उन वादों को भी हमको पूरा करना है, और कांग्रेस और इसके तहत एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जल्दी ही हम बनाने जाएंगे, इसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा करेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कल से लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, विधायक और मंत्री अपने प्रभारी से मिलकर सारी समस्याओं से अवगत भी करा रहे हैं। झारखंड प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं को 60 दिन के लिए टास्क दिया है ताकि पार्टी और ज्यादा मजबूत हो सके। उन सारे विषयों की विस्तृत चर्चा पूरे जिले की टीम के साथ की जा रही है और अलग अलग की जा रही है। इस चर्चा का खासियत एक है कि हर जिले की चर्चा अलग अलग समय के अनुसार निर्धारित की गई है ताकि खुलकर बातें हो सकें और इसका फलाफल आने वाले दिनों में संगठन के पूरे कार्यक्रम के स्वरूप को या जो कार्यक्रमों की रूपरेखा पार्टी निर्धारित करेगी। कल के बाद से जो 60 दिनों का लक्ष्य आदरणीय प्रभारी जी ने रखा है उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। गढ़वा के रमकंडा में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाते हुए एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से हाथियों के झुंड को वहां से भगाया। पीड़ित ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। पाकुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक बेकाबू ट्रक सड़क किनारे स्थित दुकान में घुस गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन दुकान में रखे दो बाइक सहित कई सामान नष्ट हो गए। गुमला के देवडीह पतरा टोली समीप लोहरदग्गा की ओर से जा रही सफेद रंग की अज्ञात स्कॉर्पियो ने सड़क के किनारे खड़े 6 वर्षीय स्पर्श उरांव को चपेट में ले लिया जिससे बच्चे की मौत घटनास्थल पर हो गई। हादसे के बाद चालक स्कॉर्पियो गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बच्चा सुबह सड़क पार करने के लिए सड़क के किनारे खड़ा था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है और पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। सड़क पर कुछ बच्चियां गांव देहात की होती हैं या बच्चे होते हैं जो वाहन के बारे में उतना समझ नहीं हो पाता है और ऐसे हालत में वो सड़क पर चले आते हैं जिसके कारण ऐसा दुर्घटना हो जाता है। लेकिन अगर सड़क पर प्रशासन का देख रेख हो तो मुझे लगता है कि ऐसा दुर्घटना